हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 36 फोर क्लास 7th मैथमेटिक्स की बच्चों की वर्कशीट है, जो आपके लिए 16 फेब 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। वर्कशीट का टॉपिक रहेगा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इससे पहले भी हम ट्राइंगल के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट दिया गया है टास्क आपको, इट इज गिवन दैट लाइंस L1 एंड L2 आर टू पैरेलल लाइन। तो बेटा L1 और L2 दो क्या है, दोनों जो है पैरेलल लाइंस हैं। एंड लाइन M इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, M जो है क्या है, इन दोनों को काट रही है, तो ये कैसी लाइन है, इट्स अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो है यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। सो लेट्स रिकॉल एंगल 4 एंड एंगल 6 बिकॉज एंगल R, एंगल 4 इक्वल है किसके, एंगल 6 के। तो ये देखिए एंगल 4 इक्वल है एंगल 6 के। तो ये आपको याद आया होगा कुछ कि इस तरह से जेड के अंदर जो एंगल बनते हैं वो हमेशा जो है क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज दे आर द इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो आप यहाँ लिख देंगे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 बिकॉज एंगल्स आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो आप लिख देंगे बेटा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। एंगल 4 प्लस 5, एंगल 4 और 5 ये दोनों जो है क्या है, दोनों किसके इक्वल है, एंगल 4 और 5 अगर हम इसका पेयर देखें तो ये क्या होंगे, ये दोनों एक ही लाइन पे बने हुए एंगल हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 180। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखिए, ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको बताना है। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हो जाएंगे, देखिए एंगल 4 एंगल 8 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 3 एंगल 7 के कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 एंगल 6 के है, एंगल 1 एंगल 5 के है। तो इस तरह से जो है ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आप इसमें लिख देंगे कुछ एंगल 4 एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग पेयर है, एंगल 3 एंगल 7 एंगल 2 जो है एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग है, इसी तरह एंगल 1 और एंगल 5 जो है ये क्या है, दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट देखिए, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू अ ट्राइंगल, इन अ गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी। तो इसमें आपको देखना है ना ए सी बी, तो इसमें देखिए ए सी बी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी, तो ये जो है किसके इक्वल है, इनका जो टोटल होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकंड दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो एंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द, ठीक है, जो हाइपोटेन्यूस यहाँ पर आपको दिया गया है हाइपोटेन्यूस उसके इक्वल होगा सी स्क्वायर के इक्वल, इस आर्म के जो है इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखिए नंबर सी, ए प्लस बी, ए प्लस बी जो है यानी ए और बी इन दोनों जो आर्म है इनकी जो लेंथ होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन सी। तो क्या होगा, ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है रिवाइज स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के स्टेप जो है रिवाइज करने हैं। देखिए अनिका कंस्ट्रक्टेड द ट्राइंगल एंगल एल एम, ट्राइंगल एल एम एन, ठीक है, तो ट्राइंगल एल एम एन जो है अनिका ने कंस्ट्रक्ट की राइट एंगल एट एम, एम पे क्या है राइट एंगल है, गिवन दैट एल एन किसके इक्वल है, एल एन 5 के, एम एन 3 है, ईच स्टेप ऑन डिफरेंट शीट, उसने अलग अलग शीट पे बनाए, एंड नाउ शी मेक्स द सीक्वेंस, कैन यू हेल्प हर टू अरेंज द कंस्ट्रक्शन स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो आपको उसने अलग अलग शीट पे बना ली और वो शीट फिर बाद में मिक्स हो गई, अब उसको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी शीट पे कौन से जो है स्टेप आएगा, सो आपको उसकी हेल्प करनी है। तो देखिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमने एम एन ले लिया 3 सेंटीमीटर, तो एम एन हमने ले लिया, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एम पर जो है राइट एंगल दिया गया है, यानी एम पर हमें 90 डिग्री का जो है क्या करना है एंगल वो जो है लगाना है, और एन से हमें क्या दिया गया है, एन से हम क्या करेंगे, एम पे 90 है तो हमने जो है बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर एक लाइन हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ड्रॉ कर लेंगे, और एन से हम अपना कंपास खोलकर और 5 सेंटीमीटर हमें खोलकर एक जो है इस तरह से हम क्या लगा लेंगे, हम जो है यहाँ पर आर्क लगा लेंगे। सो हमने एम पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया, तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हम एन से जो है 5 सेंटीमीटर खोल के ऐसे आर्क लगा लेंगे, ये थर्ड स्टेप हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, तो ये हमारा फोर्थ स्टेप होगा, और लास्ट में हमें इस तरह का रफ स्केच मिलेगा।
ठीक है, जिसमें हमने कंप्लीट मेजरमेंट भी लिख दी है, तो ये हमारा टोटल हमारे 5 स्टेप में ये हमारी जो ट्राइंगल है कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसमें करेंगे, तो ये कंप्लीट आप ऐसे ट्राइंगल बना लेंगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट देखिए, लेट्स प्रैक्टिस। तो इसमें क्या दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस अ यूनिक ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन एंड राइट द वाई और वाई नोट। तो आपको बताना है कि ये जो केस दिए गए हैं 3, इसमें कौन से केस में यूनिक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं और कौन से में नहीं, रीजन भी देना। सो फर्स्ट दिया गया है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी गिवन दैट ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर एंड सी ए दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्या हम इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ, सो हम लिख देंगे नो, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट। ठीक है, सो क्यों कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ए बी और सी ए अगर हम देखें तो इनका जो टोटल है दैट शुड बी ग्रेटर देन बी सी, बट वो ज्यादा होना चाहिए। तो 4 + 3 दैट शुड बी इक्वल मोर देन 8, बट ऐसा नहीं है, 7 जो है आता है। तो ये जो हमें पता है ना कि जो 2 आर्म है उनका थर्ड से जो सम है वो ज्यादा होना चाहिए, तो इसीलिए हम इसको नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। तो आप इसमें रीजन लिख देंगे, नो वी कैनोट कंस्ट्रक्ट बिकॉज सम ऑफ 2 आर्म इज not greater than third arm, ठीक है, ये आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड गिवन दैट एक्स वाई 6 सेंटीमीटर, एंगल एक्स 90, एंगल वाई 120। तो आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बेटा यहां पर करेंगे, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसमें भी नहीं हम इसको कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल ही देखिए आप 90 और 120, 210 तो यही हो गया, जबकि होना कितना चाहिए था, 180 से कम होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि एक तीनों का जो सम है वो कितना होता है, 180 होता है। तो इसमें कर देंगे हम नो, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट, ठीक है, नो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज मोर देन 180। आप इसमें दिखा सकते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 210, जबकि होना चाहिए था एक्स वाई जेड तीनों का ही 180 के इक्वल, तो इसीलिए ये फॉर्म नहीं हो सकती। थर्ड दिया गया है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल पी 60 एंड एंगल आर 30। तो इसमें देखिए एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R तीनों किसके इक्वल होने चाहिए, 180 के। एंगल P है 60 प्लस एंगल Q हमें निकालना है प्लस एंगल R दिया गया है 30, तो कितना हो गया यहाँ से, ये 180, तो यहाँ पे एंगल Q कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये आ गया 90 डिग्री। तो ये जो ट्राइंगल बनेगी वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो इस तरह से हम करेंगे, इसको फॉर्म कर सकते हैं, ये देखिए ये हमारी पी क्यू होगी 6 सेंटीमीटर और हमें क्यू पर जो है 90 डिग्री ऐसे ड्रॉ कर लेना है और ये इस तरह से फिर इसको मिला देना है। तो पी क्यू आर ये हमारी ट्राइंगल हो जाएगी, जिसमें हमारा एंगल पी जो है वो 60 डिग्री होगा, क्यू हमारा 90 हो गया और ये हमारा 30 डिग्री होगा। तो ऐसे आपको ये जो ट्राइंगल है वो भी कंस्ट्रक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे यस इट इज पॉसिबल, तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये कंस्ट्रक्ट हो सकती है। तो ये हो गई आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट, एंड आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।